watching people's dispatch. You are reporting from the capital city of India, New Delhi, from Jantar Mantar, where over 500 women scheme workers have gathered in protest. Scheme workers are called scheme workers because they are responsible for implementing some government social welfare schemes. They are primarily women. Namely, three kinds of scheme workers are present here: Anganwadi, Asha, and midday meal workers. Their responsibilities include providing essential healthcare services in rural, remote, and poor areas, and running school lunch programs in government schools for students, and also providing nutritional services for young and expecting mothers, as well as children between the ages of 0 to 6 years. So they're responsible for providing some very essential services to Indian citizens, particularly in marginalized and rural and poor areas. But the government of India does not even recognize them as workers. So we are here today to talk to these women, to learn about their demands, and to learn about the struggle that has been going on for many, many years. 3 महीने से आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं अपने आंदोलन पे बैठी हुई हैं और सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है. The main demand is recognition as workers, payment of minimum wages, social security, and against privatization. And these demands have been raised since long years. And the Indian Labour Conference has agreed to that. The Indian Labour Conference in 45th session discussed this, and it has recommended that they should be recognized as workers and they should be paid minimum wages and DA. They should be paid social security benefits and it should not be privatized. Despite that, successive governments have not done anything. हम ये कहते हैं कि इस सरकार तो जब से 2014 से आई है, इसने हमेशा ही झूठे वादे करे हैं. पर एक झूठे वादे के साथ साथ जो इन्होंने दिवाली के टाइम जो अनाउंसमेंट करी मोदी साहब ने, और लाइव टेलीकास्ट हुआ जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों को भी बुलाया गया, और उसमें एक अनाउंसमेंट करी कि दिवाली का तोहफा दिया जाएगा, और जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की बढ़ोतरी, आंगनवाड़ी हेल्पर्स की और आशा वर्कर्स की बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट हुई थी, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया है. हम जन्म से लेके मौत तक सभी का हिसाब किताब हमारे रखा जाता है, हम रखते हैं. प्रेग्नेंट औरत होती है, उसका बच्चा जब तक 6 साल का नहीं होता तब तक हम उसका हिसाब किताब रखते हैं, और बड़ा होने तक भी उसका हमारे सर्वे में नाम होता है. तो कोविड चला था जिस टाइम पे, तो पहले तो बोला गया था कि कोविड में सभी घर रहेंगे, पर आशा वर्कर भी एक ऐसी थी जो फील्ड में उतरी हुई थी, जो निचले स्तर पर घर घर जाकर कोविड में काम कर रही थी, लोगों से फेस टू फेस बातें कर रही थी, उनको बता रही थी कि कोविड में अपने घर बच्चों को सेफ रखें, कैसे रहना है वहाँ पे, किस तरीके से अपने घर को साफ सुरक्षित रखना है. और वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चों का हमें काम दिया जाता है, जो हमारा काम होता है, उसमें हमें बोला गया था कि कोविड में आपको जाकर बात करना है. उस टाइम पे हमने कोविड पेशेंटों के साथ बैठकर काम किया है. कोविड क्या सिर्फ औरों के लिए था, हमारे लिए नहीं था. सरकार जो है एक तरफ तो ये कहती है कि जो सर्विस है आशा वर्कर्स की वो एसेंशियल सर्विस है, आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप धरना नहीं लगा सकते, आप हड़ताल करेंगे तो आपके जो हड़ताल पे हम एस्मा लगा देंगे, एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं. और दूसरी तरफ जब हम उनसे वेतन की डिमांड कर रहे हैं तो उस वक्त में हमें कहा जा रहा है कि ये तो जो है आप तो वॉलंटियर हैं, आप स्वयंसेवी हैं, तो स्वयंसेवी होने के नाते हम आपको वेतन नहीं देंगे. तो आज हम यहाँ दिल्ली में संसद में अपनी ये बात पहुँचाने के लिए आए हैं कि सरकार ये दोगली बातें मत करो कि आप एक तरफ तो हमारी जो सेवाएं उनको एसेंशियल कहो और फिर आप दूसरी तरफ ये कहो कि आप स्वयं सेवी हैं. हम आज यहाँ पे अपना हक और अधिकार की बात उठाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं. हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है, मान भत्ता मिलता है, उसमें भी हमें 2 किस्तों में मिलता है, एक स्टेट देता है, एक सेंटर देता है. स्टेट ने तो हमारा बढ़ा दिया थोड़ा, लेकिन सेंटर ने तो 3-4-5 सालों से कुछ भी नहीं बढ़ाया. मिड डे मील वर्कर कुल 3500 रुपए में काम करती है, और एक एक साल में, एक साल के बाद में उनका अब 8 महीने की सैलरी आई है. फरीदाबाद जिले की मैं आपको बात बता रही हूँ, और पूरे हरियाणा में ऐसे ही है कि 9-9 महीने बाद, 8-8 महीने बाद, एक एक साल के बाद में 3500 रुपए जो मिले हैं, आप बताइए जीने लायक भी. अगर 3500 रुपए सरकार देती है, उन्हें भी हर महीने नहीं देती, तो कितना अन्याय है. और सबसे गरीब तबका जो है वो मिड डे मील में लगा हुआ है, सबसे गरीब जो महिलाएं हैं वो आशा वर्कर लगी हुई हैं आंगनवाड़ी में, क्योंकि कम वेतन पे, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है, इसीलिए इस काम को करने के लिए महिलाओं को मजबूर है. जबकि उनको मजदूरी का भी दर्जा नहीं है, कर्मचारी का तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम मजदूरी महिलाओं को मिलनी चाहिए. They are trying to suppress this. In Delhi, you know,
ESMA has been used on Anganwadi workers. And in similarly, they are being subjected to house arrest. Even when they want to go out for a dharna or a procession, they are not allowed to come outside. That we have seen in Andhra Pradesh, in Telangana, now in Madhya Pradesh, in many other states. Not only they, but even their family members are taken to the police station. So they are trying to suppress them. हमारी बस को भी मुंडका स्टेशन के पास रोक लिया गया था, तो बोलते हैं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो हमने बोला हम तो जाएंगे, हमने तो बैठना ही है, आप नहीं जाने दोगे तो यहीं बैठ जाएंगे सड़क पर। हमारे पास बड़ी गाड़ी थी, बस थी 52 सीटर, तो वो हमने बोला हम पैदल जाएं, ऑटो से जाएं, बस रख लो, आते वक्त हम ले लेंगे अपनी बस, पर हम जाएंगे। आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारी जो तीनों फेडरेशनों ने भी सीआईटीयू में सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने मिलकर जो 28-29 का जो आम हड़ताल है उसका तो घोषणा ऑलरेडी है, उसकी तैयारियां चल रही, इसलिए आज का ये प्रोटेस्ट सिंबॉलिक रहा है। तो वो हड़ताल जो है आज तक का सबसे बड़ा हड़ताल होगा और उसमें सारे जो 100% जो है जो स्कीम वर्कर्स के अंदर में उतरेंगे, वो हड़ताल के अंदर में एक मुख्य मुद्दा ये भी है स्कीम वर्कर का पक्का करना और उनका न्यूनतम वेतन और उनका पेंशन का। और आने वाले दिनों में आने वाला संसद का सत्र में यहाँ पे दिल्ली के अंदर पड़ाव समेत कार्यक्रम का हम फैसला करेंगे। हम लड़ाकू लोग हैं और हम अपने हक और अधिकार को लेके ही दम लेंगे, हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेंगे।